सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और मेरा नाम है कपिल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि G83 का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। G83 का इस्तेमाल ज्यादा डेप्थ वाले होल ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। दरअसल G83 एक पैक ड्रिलिंग साइकिल है, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे G81 में डायरेक्टली वन शॉट में आपका ड्रिल कंप्लीट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप उसमें एक कंटेंट डालना होता है आपके ब्लॉक में क्यू, इसमें आपको एक डेप्थ सेट करनी होती है। मतलब आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूँ, 42.2 का हमको ड्रिल डेप्थ मेंटेन करना है, तो उसमें हम Q10 दिया है। मतलब क्या होता है, इसमें जो 10 mm होने के बाद ये टूल R पॉइंट लेवल तक आता है और वहां से फिर आपका 9 mm नीचे जाके उसका ड्रिलिंग स्टार्ट करता है। मतलब 1 mm क्लियरेंस रख के आपका ड्रिलिंग स्टार्ट होता है वापस। मतलब उसमें क्या होता है कि आपका जो टूल वेयर आउट नहीं होता है ज्यादा, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, टूल और जो कंपोनेंट है उसका फ्रिक्शन कम होता है, चिप अच्छे से निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि पूरा टूल बाहर आता है उसका। इस वजह से अपना बेनिफिट क्या होता है कि अपनी टूल लाइफ इंक्रीज हो जाती है उसमें। अगर कंटिन्यूसली उसको अगर ड्रिलिंग किया तो उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी आपकी और उसमें आपका टूल भी ब्लंट हो सकता है अगर कूलेंट वगैरह सही तरीके से ना पहुंचे तो इसके लिए ये G83 का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं G83 का। ओके चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे G83 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। G83 एक पैक ड्रिलिंग साइकिल है, मतलब जैसे G81 होता है वैसे ही साइकिल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे आप डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक कंटेंट डालना होता है क्यू, उसकी वजह से आपका ये डेप्थ ऑफ कट मेंटेन होता है। उसमें आप जितने डेप्थ ऑफ कट डालेंगे उतने कंप्लीट करके ये रेफरेंस लेवल पे जाएगा टूल। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी लगाया, आप देख सकते हो ड्रिल है 10 mm का ड्रिल करना है, उसका डेप्थ है 42.2, उसका जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है उसका क्यू उसको 4 बार दिया, मतलब 4 बार मशीनिंग करते हुए जाएगा और वापस R पॉइंट लेवल तक जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 बार इसका 10 mm का हमने डेप्थ ऑफ कट सेट किया है, इस वजह से ये 4 बार इसका मूवमेंट होगा। मतलब ये 10 mm जाएगा वापस R पॉइंट लेवल तक जाएगा, वापस 9 mm नीचे जाएगा, मतलब 1 mm क्लियरेंस रख के मशीनिंग करेगा। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाते। तो इसका प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन पे देखेंगे N1 है सीक्वेंस नंबर है, मतलब अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप इसको सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, N2 N3 ऐसे फिशिंग ड्रिलिंग ऐसे ऐसे अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप उसको अलग अलग दे सकते। तो आगे वाले ब्लॉक में देखेंगे M06T01, M06 से टूल चेंज कमांड है, टूल चेंज करने के लिए M कोड का इस्तेमाल किया जाता है M06। उसके बाद में देखेंगे T01, टी मतलब टूल नंबर है, यहाँ पे हमको टूल नंबर डालना होता है, तो यहाँ पे 01 है, मतलब ये एक नंबर का टूल इसमें यूज हुआ है। तो आगे वाले ब्लॉक में देखेंगे G0 G90 G80 G70 G55 X0 Y0, यहाँ पे G0 है मतलब पोजिशनिंग, मतलब यहाँ पे रैपिड में चलती मशीन, जहाँ पर भी आपको एक ट्रैवल कराना है एक्सिस का, तो यहाँ पे G0 का इस्तेमाल किया जाता है। G0 मतलब यहाँ पे मशीन एकदम फास्टली चलती है, रैपिड में चलती है। तो आगे देखेंगे G90 है एब्सोल्यूट कमांड, मतलब हमने जो भी प्रोग्राम में WPC सेट किया है वहाँ से सब डायमेंशन मेंटेन करने के लिए हम एब्सोल्यूट कमांड यूज करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में देखेंगे G80 है कैंड साइकिल कैंसिल। तो इस प्रोग्राम में हम G83 इस्तेमाल करने वाले, अगर किसी कोई दूसरे प्रोग्राम में अगर आपने कैंड साइकिल यूज किया होगा तो उसको कैंसिल करना जरूरी है, इस वजह से हम इसको कैंसिल कर लेंगे G80 से। उसके बाद में देखेंगे G70 है एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे हम एक्स और वाई को काम में लेने वाले, इस वजह से हम यहाँ पे G70 इस्तेमाल करेंगे। G70 मतलब एक्स वाई प्लेन, आपको जो प्लेन में काम करना है वो आपको प्लेन सिलेक्शन करना जरूरी है, इस वजह से हम पे G70 का इस्तेमाल करें। G55 वर्क पीस कॉर्डिनेट है। तो उसके बाद में देखेंगे G55 में हमने मशीन की वैल्यू सेट की है, इस वजह से हम यहाँ पे G55 का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद में देखेंगे X0Y0 हमारा ये पोजिशनिंग है जहाँ पे हम ड्रिलिंग करने वाले हैं, उसको XY0 कंसिडर करने वाले हैं वहाँ से, इस वजह से हम यहाँ पे X0Y0 डालेंगे। उसके बाद में देखेंगे G43 है टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, हमारा जो भी ऑफसेट है सब प्लस डायरेक्शन में, इस वजह से हम G43 का इस्तेमाल करेंगे। 99% G43 का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। उसके बाद में देखेंगे Z100, जो भी हमने Z0 सेट किया वहाँ से 100 mm ऊपर आके टूल रुकेगा। तो आगे देखेंगे H4 मतलब इसका हाइट कोड है, मतलब 4 नंबर ऑफसेट पे हमने Z का वैल्यू सेट किया, मतलब जो आप ही हमारा कंपोनेंट का 0 है वहाँ से हमने
इसका वैल्यू डाला है, रेडेक्स इसका जो भी मशीन वैल्यू रहेगा वो, इसलिए से हम यहाँ पे H4 इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे M03 S3000 ये रोटेशन कमांड है क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी जैसे घूमती है वैसे टूल घूमेगा अपना। आगे S3000 यस मतलब स्पिंडल स्पीड, इसको RPM भी बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में 3000 राउंड होगी ये टूल की। उसके बाद में देखेंगे G98 मतलब इनिशियल लेवल हमने G43 में यहाँ पे सेट किया है। G43 के बाद में आप Z100 देख रहे हैं, इनिशियल लेवल होगा ये प्रोग्राम का, इस वजह से हम यहाँ पे G98 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में देखेंगे G83 ये पेक ड्रिलिंग साइकिल है, इसमें हम ड्रिलिंग करने वाले। उसके बाद में देखेंगे Z-42.2 ये हमारा डेप्थ मेंटेन करने वाले, हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉइंग में, इस वजह से हम इसको माइनस कंसिडर करके Z-42.2 देंगे, क्योंकि ये हमारा जो आप प्लेन देख रहे हैं ऊपर का वहां से हमारा Z0 है, वहां से हमको नीचे जाना है, इस वजह से हम Z-42.2 देंगे यहाँ पे। इसके बाद में R5 मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट है, R5 मतलब R पॉइंट लेवल, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑपरेशन आपको डायरेक्टली उसको टूल टच करके स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको एक रेफरेंस देना जरूरी है, इस वजह से हम यहाँ पे R5 देंगे, मतलब 5 AM ऊपर रह के टूल टचिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद में देखेंगे Q10 हमारा ये डेप्थ अपकट है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। जब भी आप 83 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्यू देना जरूरी है, मतलब डेप्थ अपकट देना जरूरी है। यहाँ पे हमने 10 AM दिया, मतलब जैसे आर पॉइंट लेवल से टूल स्टार्ट करेगा मस्टिंग, तो ये 10 AM होने के बाद ऊपर आएगा आर पॉइंट लेवल तक, तो वापस 9 AM नीचे जाएगा, मतलब 1 AM क्लियरेंस रख के ड्रिलिंग स्टार्ट होगा फिर से। तो ऐसे ये 4 बार रिपीट हो जाएगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट करेगा वहां से 10 AM कम्प्लीट होने के बाद ऊपर आएगा, फिर से आर पॉइंट लेवल तक आएगा, तो फिर से वापस 1 AM क्लियरेंस रख के स्टार्ट करेगा। तो ऐसे इसका ऑपरेशन होता है G83 में ड्रिलिंग का। उसके बाद में देखेंगे F300 मतलब इसका फीड है, 300 मतलब एक मिनट में 300 mm जाएगा ट्रैवल थ्रेड एक्सिस का। उसके बाद में देखेंगे M07 कूलेंट ऑन है, मतलब ये ब्लॉक में हमारा कूलेंट ऑन होगा यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे G0 G90 G80 Z100 G0 है पुशनिंग वापस, G90 है एब्सोल्यूट कमांड में चलेगी मशीन। उसके बाद में G80 हमने यहाँ पे G83 का इस्तेमाल किया है तो उसको कैंसिल करना जरूरी है, इस वजह से हम यहाँ पे G80 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में Z100 उसके बाद में जो भी हमारा Z0 है वहां से 100 AM ऊपर आके टूल रुकेगा। उसके बाद में देखेंगे M09 यहाँ पे कूलेंट ऑफ हो गया, मतलब कूलेंट बंद हो गया यहाँ पे। उसके बाद में M05 यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप हो गया, मतलब स्पिंडल घूमना बंद हो गया। उसके बाद में M30 मतलब साइकिल एंड, यहाँ पे हमारा साइकिल एंड हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ये ड्रिलिंग होता है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको ये G83 का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।